दोस्तों आज अगर आपके पास बक में बहुत सारे फाइल है और एक लैपटॉप से दूसरे में या एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या फ़ोन से पीसी में या पीसी से लैपटॉप में करना हो तो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं, लेकिन यही अगर हम सोचते हैं कि इंटरनेट पे इसे शेयर करना है, हमारे पास बल्क में बहुत सारे फाइल्स फॉर्मेट बहुत सारे वीडियोज़ फोटोज़ है उसे शेयर करना है तो कैसे शेयर करें, यहाँ पर हम कन्फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर लिंक काम आते हैं, लिंक के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर कोई क्लिक करके उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक साथ हम कैसे ये सब कर पाते हैं अपने फ़ोन से। हे दोस्तों, टेक्निकल में अगर फिर से का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आजकल हम फाइल तो शेयर करते ही रहते हैं, अगर ऑफलाइन शेयर करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन शेयर करें कैसे कि बहुत सारे फाइल्स हैं हमारे पास, फोटोज़ वीडियोस पड़े हैं, अगर हम उसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो क्या एक एक करके हम शेयर करते रहेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर हम काम लेते हैं क्लाउड को, जहाँ पर एक जगह पर स्टोर कर देते हैं और इसके लिंक को सिर्फ हम शेयर करते हैं दूसरे के साथ, जहाँ पर जानते हैं कि पूरी दुनिया तो अब इंटरनेट से जुड़ी है, तो हम किसी को भी लिंक भेजते हैं तो वहाँ पर वो एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल्स फोटोज़ को। यहाँ पर बहुत सारे साइट्स आते हैं इसके लिए। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पे गूगल ड्राइव के बारे में, जैसा कि गूगल ड्राइव सब ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव को ओपन किया। अब गूगल ड्राइव में मैंने जैसे कुछ फोटोज़ मेरे पास वीडियोज़ से शेयर करने बहुत सारे लोगों के तहत, तो ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है बेस्ट फोन बेस्ट शूज़ अंदर 500 रुपीज़। तो ये फोल्डर के अंदर मैंने बहुत सारे शूज़ के पिक्चर रखे हैं, यहाँ पे कुछ अपलोड कर लेता हूँ मैं। चलिए मैं आपके साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी वीडियोज़ फोटोज़ फाइल्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर सिंपली आपको एक बार अपलोड करना होता है यहाँ पर। चलिए यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पिक्चर और इसे भी अपलोड कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो ये पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपलोड हो रही है मेरी पिक्चर। एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे शूज़ के पिक्चर थे, तो क्या मैं सबको अगर किसी को सेंड करना है तो मैं सबको एक एक करके थोड़ी ना सेंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिंक बना लूँगा इसका सीधा और लिंक सेंड करूँगा। तो ये एक और पिक्चर ऐड हो गया इसमें, आप जितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसे सिंपली आप बैक जाइए, ये जो फोल्डर था इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक शेयरिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कॉपी लिंक का ऑप्शन जो था उस पर क्लिक करना है, ये देखिए नीचे कॉपी लिंक है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। कॉपी लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, कॉपी लिंक करना है आपको। लिंक कॉपी हो गया, सिंपली यहाँ से आप बाहर आइए। बाहर आने के बाद आपको जाना है सिंपली जिसको भी शेयर करना है आपको, जिसको भी उस फोटोज़ वीडियोज़ के साथ पहुँचाना है, आप व्हाट्सअप पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, कहीं से भी आप शेयर करना चाहे, किसी को भी भेजना चाहे भेज सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैंने ये लिंक जो मैंने कॉपी की थी वहाँ से यहाँ से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप लिंक कॉपी करके पेस्ट करते हैं किसी को भी आप शेयर करते हो तो डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव में जाकर उसे देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं आप, जो भी पिक्चर है डाउनलोड हो वीडियो हो जो भी आप उसे वहाँ से पिक कर सकते हो। चलिए यहाँ से अगर लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछ लेगा कि हमारे पास अलग अलग ईमेल आईडी, तो मैं ये पूछ रहा है कौन सी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहेंगे। तो यह मैंने कोई भी आप सेलेक्ट किया, इसके पास एक ही रहेगा तो उस पर ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया है लिंक पे तो ये हमें लेके जाता है ड्राइव में। अभी अब ड्राइव ओपन हो गया, देखिए अब ये ड्राइव में दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे ये आप लिंक पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे जा रहे हो। अगर हम यही ब्राउज़र में एक लिंक को पेस्ट करते हैं, ये देखिए अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो ब्राउज़र में अगर वो पेस्ट करता है लिंक को तो ये सिंपली ब्राउज़ होके ये सारे ब्राउज़र में ही दिखेंगे। मतलब आपको एक्सेस करना है इसे, आप सिंपली आपके पास गूगल अकाउंट नहीं भी है तो आप इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको शेयर करने के लिए एक एक आपको फाइल्स फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक शेयरिंग बहुत ही काम की चीज़ है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। चलिए दूसरे ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ से ओपन करके इसे। तो यहाँ से लिंक मैंने जो कॉपी की थी इसे मैं पेस्ट करता हूँ सिंपली यहाँ पर, एंड लिंक पेस्ट करने के बाद इसे सर्च कर देता हूँ तो ये वापस से वही खुल जाएगा जो हमारे पास फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह थे। तो यहाँ पे आप सिंपली आराम से देख सकते हैं। तो आप किसी को एक एक करके भेजने की ज़रूरत नहीं है सारे फ़ोटोज़ को, आप सिर्फ लिंक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो से अगर हम इसे जूम इन जूम आउट करके भी देखना चाहें तो कर सकते हैं, कौन कौन से पिक्चर है, क्या भेजा गया है, वीडियोस है क्या है, यहाँ से जहाँ तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट सीन लिंक शेयरिंग का, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर है। शायद आपको ना पता हो, शायद आपको पता हो, तो ये है एक नया फीचर, हालांकि नया नहीं बहुत पुराना फीचर है लेकिन बहुत काम का फीचर है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके जाइएगा, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।